सुंदर नगर थाना अंतर्गत रेल अस्पताल के पीछे रहने वाली एक महिला को पड़ोसियों ने पीट पीट कर मार डाला। महिला रेलवे कर्मचारी थी। रेलवे कर्मचारी त्रिलोका मंडल को उसके पड़ोसियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पिछले एक हफ्ता पहले ही कुत्ते को लेकर मृतका के साथ उसके पड़ोसी बबली बेरा उस्मान नरसिंह बेरा का विवाद हुआ था, पर तब मामले को सुलझा लिया गया था। घटना सुंदर नगर थाना क्षेत्र की है। रेल अस्पताल के पीछे स्थित बस्ती में मृतका रहती थी। घटना की सूचना पाकर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मारपीट में घायल त्रिलोका को तुरंत रेल अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परसोदी थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें जो है आपसी रंजिश की बात आई थी, जिसके चलते वो आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हुई है। फिर उसको अस्पताल जब ले जाया गया तो मृत घोषित किया गया है। इसकी जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है महिला की? किसी त्रिलोका मंडल उसका नाम है। हिरासत में भी किसी? अभी पूछताछ की जा रही है और एक महिला को हिरासत में लिया गया है। एमजी न्यूज के पूजा परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज हम सीनियर रिपोर्टर सुमित के साथ पूजा पंडालों का सैर करेंगे। आज तृतीया है, पंडाल सज धज कर तैयार है, चारों ओर उत्सव का माहौल है। एमजी न्यूज के सीनियर रिपोर्टर सुमित कुमार ने आज गोलमुरी टोला डूंगर स्थित सार्वजनिक पूजा पंडाल का दौरा किया। यहां इस बार बांग्लादेश के स्वर्ण मंदिर को पंडाल का रूप दिया जा रहा है। बंगाल के कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल को मंदिर का रूप दे रहे हैं। वहीं आकर्षक विद्युत सज्जा भी की जा रही है। इस पूजा कमेटी के संरक्षक दिनेश कुमार है। आइए देखते हैं पंडाल की एक झलक। नमस्कार, मैं सुमित कुमार। पूजा परिक्रमा यानी एएनजी न्यूज पूजा परिक्रमा में आपका स्वागत है। शहर दुर्गोत्सव के उमंग में, दुर्गोत्सव की खुशियों में रम चुका है। जमशेदपुर शहर का एक अनोखा नज़ारा तब देखने को मिलता है जब दुर्गा पूजा पे शहर में विशाल से विशाल यानी बड़ी से बड़ी पंडालें बनकर तैयार होती हैं। फिलहाल हम हैं टूला डुंगरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के मैदान में, यानी कि टूला डुंगरी में बनने वाली जो बृहद और भव्य पंडाल है, हम वहाँ खड़े हैं। जो पंडाल का नज़ारा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये पंडाल बांग्लादेश का बना हुआ एक मंदिर है, जिसे कि बांग्लादेश में स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये ठीक उसी का नज़ारा है और यहाँ की भव्यता जो है, इसकी विशेषता खुद ब खुद अपने बयान करती है। और यहाँ जो भक्तों का भीड़ जो लगता है, यहाँ लोगों का जो भीड़ लगता है, शहरवासियों का भीड़ लगता है, इस भीड़ के लिए, साथ में भीड़ की मनोरंजन के लिए यहाँ पे झूले का यानी कि मेले का भी व्यवस्था किया जाता है। और मेला जो है यहाँ पे झूले का व्यवस्था, जो कि बच्चों का मनोरंजन हो चाहे बड़ों की खरीदारी हो, लगभग हर तरह का खरीदारी लोग यहाँ करते हैं। और पूजा का जो पूरा एक आनंद जो होता है, वो लगभग जमशेदपुर शहरवासी इस टूला डुंगरी दुर्गा पूजा मैदान में आ करके उठाते हैं और पूजा की खुशी अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वहीं भुयाजी में सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से इस बार पंडाल को दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप दिया जा रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर पंडाल को अक्षरधाम मंदिर का प्रारूप देने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आकर्षक विद्युत सज्जा भी लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करेगी। आइए इस पंडाल की हम सैर करते हैं। आराधना का पहला अध्याय एएनजी पूजा परिक्रमा, भुयाजी दुर्गा पूजा सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी में इस वक्त हम खड़े हैं, जहाँ दिल्ली का अक्षरधाम जो है उसका निर्माण किया जा रहा है, यानी उसका स्वरूप का निर्माण किया जा रहा है। और
या पंडाल, मतलब अगर बात करें इस पंडाल की तो अपने आप में पंडाल इसलिए अनोखा है क्योंकि यहाँ भी जो है शहरवासियों की काफ़ी तादाद में खूब ऐसा नजर आता है। हर बार यह कमेटी जो है कुछ ना कुछ नया शहरवासियों को हमेशा जीवन में और इस बार भी नए करने की सोच को लेकर के दिल्ली में कुछ आम जो है यहाँ तैयार किया गया और लगभग पंडाल बनकर तैयार है। पंडाल की लागत की अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख रुपये की लागत पंडाल की लागत आई है और लगभग पंडाल बनकर तैयार है और अब चंद घंटे ही बाकी रह गए, अगर कह सकते तो चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं पंडाल के पट खुलने के लिए, जिसके बाद पंडाल को दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ सुनिच्छा, DMG न्यूज़ जमशेदपुर। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।